आज अपन सीखेंगे बीजी के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, अब परचेज रिटर्न क्या होता है। मान लीजिए कोई पार्टी है जिनसे मैंने कोई गुड्स परचेज किया और उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, तो मैं उनको रिटर्न करूंगा, तो उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होता है, जो भी आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो जो सामने वाला है जिनसे आपने माल या गुड्स परचेज किया है, वो आपको एक क्रेडिट नोट देगा और उसकी एंट्री आप परचेज रिटर्न में करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अपन आज इसको करके देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि परचेज इनवॉइस है, कंप्यूटर जॉन जॉन से मैंने कुछ माउस परचेज किए थे, ठीक है, 120 माउस, और ये मैंने एंट्री करी थी 12 मई को, लेकिन इसमें से क्या हुआ, 20 माउस डिफेक्टिव निकल गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमको एक क्रेडिट नोट बना के दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर जोन ने हमको एक क्रेडिट नोट बना के दिया जितना भी हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। क्रेडिट नोट नंबर आ गया, माउस अपन उनको कितना रिटर्न कर रहे हैं, 20 माउस रिटर्न कर रहे हैं, 20 माउस डिफेक्टिव निकल गए थे। परचेज कितने करे थे, 120, उसमें से जो डिफेक्टिव निकल गए तो उन्होंने अपने को एक क्रेडिट नोट बना के दे दिया। ठीक है, अब इसकी एंट्री अपन परचेज रिटर्न में कर लेंगे और फिर जो परचेज रिटर्न की एंट्री होगी उसके बाद जो भी उनका रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो अपन उनको पेड कर देंगे। तो अभी अपन ने कंप्यूटर जोन से परचेज किए हैं माउस 120, उसकी वैल्यू है 35,400 रुपये, कुछ डिफेक्टिव निकल गए तो वो ये रहा क्रेडिट नोट। ठीक है, इसकी एंट्री अपन करके देखते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, परचेज रिटर्न में जाएंगे और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी क्रेडिट नोट की में नंबर होगा वो आप डाल देंगे, ये कंप्यूटर जोन ने अपने को दिया है, क्रेडिट नोट नंबर है 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, पहले डेट डाल देंगे 25 मई, क्रेडिट नोट नंबर 3। ठीक है, यहां ले लेंगे लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट, क्योंकि उनकी हमारी स्टेट सेम है तो वो जाएगा लोकल कंप्यूटर जोन। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है ओरिजिनल परचेज डिटेल, प्लीज इनपुट द डिटेल ऑफ ओरिजिनल परचेज, यानी जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं वो कौन सी परचेज थी उसके अगेंस्ट में आप रिटर्न कर रहे हैं। तो वो परचेज जो भी मैंने आपको बताई थी 120 माउस की, उसमें से तो अपन कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो परचेज इनवॉइस नंबर बताएं। तो वो इनवॉइस नंबर है, एक बार मैं खोल लेता हूँ, वो इनवॉइस नंबर है 35। तो आप जैसे ही 35 डालेंगे, नीचे की डिटेल ओरिजिनल परचेज की डिटेल पूरी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अभी मैंने डेट नहीं डाली, इसने ऑटोमेटिकली डेट ले ली। अगर आप इनवॉइस नंबर सही डालेंगे तो नीचे की डिटेल ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, 35,400 रुपये की परचेज थी, उसके अगेंस्ट में अपन कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये 30,000 प्लस 2700 प्लस 2700, तो अब ये हो गए। अब माउस अपन इनको कितने रिटर्न कर रहे हैं, आइए क्रेडिट नोट पर चलते हैं। 20 माउस रिटर्न कर रहे हैं 250 रुपये से, ये 20 माउस रिटर्न कर दिए 250 रुपये से और नीचे जीएसटी लगा दिया। ठीक है, ये हो गई परचेज रिटर्न आपकी तैयार। अब एडजस्टमेंट पूछेगा, तो एडजस्टमेंट में वो जो पूरी परचेज है, ओरिजिनल इनवॉइस परचेज है, उसमें से इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो टोटल उसकी वैल्यू कितनी थी, 35,400, उसमें से रिटर्न कितना हुआ, 5,900, तो ये इसमें से एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब अपन कंप्यूटर जोन का खाता खोल के देख लेते हैं। अब अपन कंप्यूटर जोन की एक बार लेजर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो रिमेनिंग बैलेंस ये अपन से मांगते हैं वो मांगते हैं 29,500 रुपये। 35,400 की परचेज थी और ये परचेज रिटर्न हो गई 5,900 की, तो 29,500 रुपये ये मांगते हैं अपने से। ठीक है, अब इनकी एक पेमेंट की एंट्री भी अपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए 28 मई को मैंने इनको पूरा 29,500 रुपये पेड कर दिए, तो मैं एक एड पेमेंट पे जाऊंगा और 28 मई को एंट्री कर लूंगा, वाउचर नंबर कुछ भी डाल दूंगा और ये कंप्यूटर जोन को मैं कर दूंगा डेबिट। यहाँ नीचे बैलेंस भी आ रहा है कितने मांगते हैं, 29,500 रुपये, और ये मैंने कर दिया अपने बैंक से, SBI बैंक से। ठीक है, F2 करूंगा, अब एडजस्टमेंट पूरा आ जाएगा, जो भी रिमेनिंग बैलेंस है अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आप कंप्यूटर जोन का अकाउंट खोल के आप देखेंगे तो आपको नील मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप परचेज रिटर्न की एंट्री इजीली कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे परचेज रिटर्न की भी एंट्री हो गई, पेमेंट भी हो गया और परचेज भी चढ़ चुकी है। ठीक है,